देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वीडियो के जरिए हम आपको बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट क्या कुछ आ रहे हैं वो बताने जा रहे हैं। तो बता दें कि जो पंचायत चुनाव है वो 6 पदों के लिए होगा, 9 चरणों में ये पंचायत चुनाव होगा। और साथ ही अगर इस पंचायत चुनाव की बात की जाए तो इस बार जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी कोशिश है कि ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव हो। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं की अंतिम लिस्ट जारी हो गई है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नए मतदाताओं की संख्या कितनी है और ओवरऑल कितने लोग हैं जो इस बार पंचायत चुनाव में पंचायत प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इस बार 6,44,54,749 मतदाता करेंगे अपने जन प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला। अगर पंचायत चुनाव में नए वोटर की बात की जाए तो 64,58,876 नए वोटर हैं। नए आवेदनों में 84% आवेदन को स्वीकृत किया गया लेकिन 16% आवेदन को नकार दिया गया। सहरसा से सबसे अधिक 40,062 नए आवेदन आए, वहीं वैशाली से 32,646 नए आवेदन आए, गोपालगंज से 24,990 नए आवेदन आए, पटना से 24,811 नए आवेदन आए, पूर्वी चंपारण से 23,334 नए आवेदन आए। मतलब साफ है कि वैशाली, गोपालगंज, पटना और पूर्वी चंपारण से सबसे ज्यादा नए आवेदन आए। अब वही बात सबसे कम आवेदन वाले जिलों की अगर हम बात करें तो इनमें जरा ये लिस्ट देखिए। अरवल से 691, शिवहर से 1,707, लखीसराय से 1,931, जबकि किशनगंज से 1,988 नए आवेदन आए। नाम संशोधन के लिए 3,302 आवेदन आए। जिन आवेदनों को रिजेक्ट किया गया उनकी संख्या 61,820 है। फाइनल लिस्ट आने के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन यानी कि दावा और आपत्ति की भी सुविधा है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और पहली बार ऐसा होगा कि अगर आपने ऑफलाइन आपत्ति दर्ज करवाई है, ऑफलाइन दावा किया है, तो ऐसे ऑफलाइन आवेदन की संख्या को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। इस बार आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई है, साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। टोल फ्री नंबर है 1800-3457-243। इस नंबर पर कॉल करके आप क्लेम और ऑब्जेक्शन अपना दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी आप अपना क्लेम ऑब्जेक्शन सामने रख सकते हैं। तो पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो इस बार सरकार की पूरी कोशिश है, कवायद है कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत चुनाव कराया जाए। और सबसे अहम है कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीखें क्या होगी, किस तारीख को पंचायत चुनाव होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी है। और खास तौर पर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मतदान करने की तारीख हो और तमाम प्रत्याशियों को मौका मिले पंचायतों का प्रतिनिधि बनने का, जनता की सेवा करने का। तो इसी के साथ इस वीडियो के जरिए हमने आपको पंचायत चुनाव पर तमाम अपडेट दिए। आप बने रहिए बिहार तक के साथ क्योंकि लगातार खबरें हम आपको यही दिखाएंगे बिहार से जुड़ी हुई।